नमस्कार, हर हर महादेव, सत श्री अकाल। मैं हूं जितेंद्र। आज बात करते हैं गोल्डन दास की। कई लोगों ने कहा कि भैया गोल्डन दास पे वीडियो बनाना छोड़ दिए क्या। गोल्डन दास जिस तरह से समाज सेवा करता है, समाज के लिए लड़ता है, आज वो गोल्डन दास के शरीर को रोम रोम को इतना रौंद दिया गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। समझ रहे ना, इतना रौंद दिया गया है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। रही बात जिस तरह से गोल्डन दास लगातार गरीबों की मजलूमों की आवाज उठाता था, आज पुलिस ने एक और अलग क्या होता है कि उन पे धारा तोप दिया है। धारा क्या है अब आपको मैं बताता हूँ। वीडियो में बस बने रहिए, सबूत के साथ। अब वकील साहब हैं, उनसे भी आपको मिलवाता हूँ, वकील साहब को नंबर मिलाता हूँ और बताता हूँ कि गोल्डन दास के अब तक आप जो कह रहे थे कि गोल्डन दास कब छूटेगा, कैसे छूटेगा, ये सारी चीजें मैं उनसे बोला था, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हो पाया। अब मैं उनको खुद लगाता हूँ और पूछता हूँ कि गोल्डन दास के मैटर में क्या हुआ। तो मित्रों, वीडियो के साथ बने रहिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि गोल्डन दास के चाहने वालों के कुछ असर पहुंचे। देखिए, सुशील एडवोकेट है मुजफ्फरपुर। क्या जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर, सुशील जी बोल रहे हैं ना? जी जी, कहा जाए सर। सुशील जी, हम आज बात करना चाहते हैं गोल्डन दास से। जी जी बिल्कुल, कहा जाए सर। आप जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जोश एक्सप्रेस न्यूज बनारस से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर, कहा जाए सर। बिल्कुल सर, पहचान गए होंगे, मुझे पता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो इसलिए मैं नहीं आ पाया, लेकिन अपडेट लोगों को मैं देना चाहता हूँ। तो अपडेट अभी नया क्या है सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर 29/10 को अगला डेट है सर। 29/10 को किस चीज का, क्या डेट है सर? बेल का सर, इससे जो पिछला डेट जो हुआ है उनके साथ जो भी जो समर्थक है सर, सर उन कुछ का बेल अलाउ हुआ है सर। अच्छा अच्छा, जी जी, और मुझे आपसे पूरा उम्मीद है क्योंकि गोल्डन दास अपने जगह पे सही है और अन्याय के खिलाफ हमेशा वो भी आवाज उठाते रहे, और वकील का भी काम है कि अन्याय। ठीक है सर, मैं ये नहीं कहूंगा, ठीक है, आप अपने कर्तव्यों का वहन करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, मैंने देखा है, अब सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, ठीक है सर। जी जी। तो एक सवाल और उत्पन्न हो क्या रहा है नया चीज, कि कुछ पुलिस वाले, बिहार सरकार की पुलिस क्या कर रही है कि खुद अपना क्या होता है कि मेडिकल करा करा के एक और धारा कोई लगा रही है, फिर ये इसके बारे में क्या है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कंफर्म कर दें। जी जी, यहाँ पे देखा जाए सर कि हमने इससे पहले आपने हमारा इंटरव्यू लिया या और भी न्यूज वाले जो केस में अपडेट था जी, वो सभी का हमने अपना एक इंटरव्यू दिया था, बिल्कुल, हमने अपना बात को रखा था, हमने अपनी बातों को रखा था, बिल्कुल, जिसमें बताया गया था कि कहीं से भी जो कि पुराना धारा आईपीसी का 307 है जो जिसमें कहीं से कोई नहीं बनता है, तो इस वीडियो को देख के ही कहीं ना कहीं हो सकता है कि मे भी बिहार पुलिस का प्रशासन, जो मुजफ्फरपुर की पुलिस प्रशासन है, वो झूठा इंजरी उसको कह सकते हैं, झूठा इंजरी तो पहले से डायरी में इस चीज का मेंशन रहा था, लेकिन डायरी में ही मेंशन किया गया है, रूल लगाया गया कि हाँ उनको पकड़ने क्रम में हमारे साथ ये हुआ ये वो हुआ, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। तो आखिर पुलिस वाले क्यों फिर दोबारा जो इस तरह से आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने इंजरी लगा दिया, तो क्या इसका क्या मतलब है, पुलिस वाले क्या सोच के लगा दिए? सर वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि ये जो एक न्याय की जो यात्रा थी, न्याय की, उसको न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा में बदल गया, न्याय सभा को अन्याय सभा में बदल गया। और आपने देखा होगा कि पिछले महीने एक कलकत्ता में बहुत बड़ी कांड हुई थी डॉक्टर ममिता दास की, जिनके साथ गलत करके, उनके साथ रेप करके, उनके साथ बहुत सारा, आपने देखा होगा न्यूज, और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज बना था, उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ये देख रही थी कि कहीं कलकत्ता के बाद कहीं मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में कहीं यही घटना न दोबारा हो जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अभी तक जो हमने केस स्टडी किया है उस केस स्टडी से यही पता चला है 274 जो कि प्रीता की तरफ से दिया गया था बयान या आवेदन दिया गया एफआईआर का जो हमने स्टडी किया है वो, और 276 जो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया सो, और 277 जो ग्रामीण के द्वारा किया गया सो,
हमने तीनों केस की स्टडी करने के बाद जी. और जो पुलिस के द्वारा जो यहाँ पे रिपोर्ट भेजा गया है जी जी उसको हमने गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन के बाद हमें ये पता चला है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और कहीं ना कहीं कोलकाता के बाद यहाँ न्यूज मुजफ्फरपुर का ये सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला से बाहर निकल के कहीं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बन जाए वो लेकर इस न्याय यात्रा था या न्याय दिलाने की बात जो कही जा रही थी गोल्डन दास के द्वारा, इसको कहीं कोई दूसरा मोड़ न दे दिया जाए, इसलिए पुलिस प्रशासन कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा षड्यंत्र रच करके और इस केस को नया मोड़ दे दिया गया और गोल्डन दास को जेल भेजने का काम किया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, फिर आपने 29 का डेट दिया, मैंने हमेशा कहता हूँ कि तारीख पे तारीख, तो क्या तारीख ऐसे ही चलेगा या फिर दर्शक को खुला बता पाएंगे कि नहीं वो निकल जाएंगे? सर बिल्कुल, हमें न्याय पर पूरा भरोसा है, कानून को मानने वाले हम लोग हैं, चाहे गोल्डन दास ही है, गोल्डन दास भी कानून को मानने वाले हैं, और अभी तक संविधान के अनुसार ही और संविधान में जो कर्तव्य दिया गया है आम आदमी का जी। और कहां पर किसके लिए लड़ सकता है, कहां पर अपनी बातों को रख सकता है, लोकतंत्र वाले देश में, इस पूरी दुनिया के विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र में अगर हम अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी लोकतांत्रिक जो उसका क्या बोलते हैं सुरक्षा कहता है, लोकतांत्रिक जो होता है हमारा जो अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत हम अपनी बातों कहाँ रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, उसके समझे। अभी सर जिस तरह से आपने एक बार फिर बताया, अब तो पुलिस का जिस तरह से सरकार से अब तो लड़ना हो जाएगा, सरकार जिस तरह से सरकार की पुलिस खासतौर से बिहार की पुलिस अगर देखा जाए तो गोल्डन दास पे अभी इसको हम क्या कहें समझे, झूठा आरोप जिस तरह से लगा रहे हैं, जो अभी आप बताए कि नहीं अंजोरी निकला हुआ, तो इसका हकीकत क्या है सर, झूठा है या फिर अफवाह है या फिर क्लियर है? सर हर एक पुलिस प्रशासन जो यहाँ तक कि जो गलत एफआईआर की गई है और एफआईआर में धारा को भी छिपाया गया है, जो धारा लगना चाहिए उस धारा को नहीं लगाया गया है और जो धारा नहीं लगना चाहिए उस धारा को लगाया गया है, तो पुलिस प्रशासन जी बताएं 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 पुलिस प्रशासन जो है सो देख रही है कि कहीं मेरा गर्दन फंस न जाए, अच्छा। मैं कहीं निलंबित हो न जाऊं, अच्छा। कहीं मेरी थूथू हो न जाए, अच्छा। मेरी थूथू कहीं हो न जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर अपना झूठा रवैया अपना करके और कहीं न कहीं जनता को कहीं न कहीं अपने जो संविधान के तहत जो सुरक्षा प्रदान की गई उस संविधान को खंडन करते हुए, उस संविधान को न मानते हुए पुलिस प्रशासन ने ऐसा कार्य किया है। और ये मेरे पास पूरा आवेदन जो तीनों आवेदन है उस आवेदन का हमने अवलोकन किया है, उस आवेदन का अवलोकन करने के बाद और जो जांच रिपोर्ट आई है पुलिस का प्रशासन का जो सामने आ रही है उसके अनुसार तो हम यही कहेंगे कि गोल्डन दास को फंसाने की पूरी साजिश की गई थी और फंसाने के बाद दोबारा जिस तरह से अंजोरी निकला, मैं ये जानना चाहता हूँ अंजोरी जिस तरह से दोबारा निकला हुआ सर उस पर क्या कहेंगे, जिस तरह से एक और धारा लग गया बढ़ गया ना, जहाँ आप धारा छुड़ाने की बात करते थे एक धारा और बढ़ गया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें पुलिस प्रशासन देख रही है कि हम तो निलंबित हो ही जाएंगे अगर जांच सामने आ जाएगी, तो आपने देखा होगा कि जिस समय पहले केस किया गया उस समय कहीं से ये नहीं दर्शाया गया कि कहीं से कोई आम आदमी को या पुलिस प्रशासन को चोटें आई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो आपको बयान दिया और हमने जो आपको खुले जो अपनी बातों को रखा है उस बातों को देख करके अभी जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई उसमें ये दर्शाया गया कि हाँ किसी के साथ धक्का मुक्की हुई है या कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा मतलब गिरफ्तार करने के साथ ही ये चीज को किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के इतने दिनों में लगभग 2 से 3 महीना हुआ ना, 2 से 3 महीना में पुलिस को आज समझ में आया कि मेरा चोट लगा है, पुलिस को आज समझ में आया कि मुझे क्या होता है मेडिकल कराना, पुलिस को आज समझ में आया कि क्या होता है कि मेरा बदन दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, पांव दर्द कर रहा है, आज समझ में आया है 3 महीने बाद। जी 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 बिल्कुल है ना, ये चीजें अगर होती तो वो तो तत्काल मेडिकल तत्काल होता है या फिर क्या होता है कि सारी चीजें मुद्दाएं खत्म हो जाती तब होता है। जी 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 पुलिस प्रशासन अपने गर्दन को बचाने के लिए वो जो झूठा षड्यंत्र रची थी, अगर देखा जाए तो कितने पुलिस वालों को चोटें आई हैं, जिस तरह से आपके पास जो कागज है, आपके पास जो एप्लीकेशन में कितने पुलिस वालों को लगभग चोटें आई हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे भी कहा जाता है कि जो पुलिस प्रशासन के जो आदमी होंगे उनका गवाह नहीं मान्य होगा, अच्छा। लेकिन यहाँ पर जो थाना प्रभारी है यहाँ पर अपनी बातों को रखे हैं और अपनी बातों को यहाँ पर सही साबित करने के लिए अपने जो उनके साथ जो साथी हैं उनके
चौकीदार हो, तबदार हो, उनके सिपाही हो, या उनके उनसे जो नीचे जो भी हो, जो आयु हो, जो उनसे नीचे जो भी होंगे, उन्हीं को अपना ढाल बना करके आगे पेश कर रहे हैं कि हमारा कुर्सी बचा रहे, हम निलंबित तो ना हो, हमारा पोजीशन बना रहे। बिल्कुल, बस बात यही है, फर्क यही है। चलिए सर, कोई बात नहीं। तो मतलब अगले 29 तारीख को फिर? जी बिल्कुल, 29/10 यानी कि 29 अक्टूबर को पूर्ण विश्वास है। चलिए ठीक है, फिर हम आपसे बात करेंगे सर, और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में जुड़े थे वकील साहब, जो क्या होता है कि गोल्डन दास का बिहार का अपना मुजफ्फरपुर के वकील है, और उनका नाम सुशील जी है। सुशील जी हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आगे अपडेट हम सर 29/10 के बाद हम जरूर देंगे, और 29/10 को आप अच्छा समझिए कि आपको खुशखबरी मिलेगी गोल्डन दास जी। बिल्कुल, 29/10 को 206 के से बड़ी होंगे और बाइज्जत बड़ी होंगे, और उनको भी आपके द्वारा हम जरूर आपको बुलाएंगे, और आपसे आपके द्वारा सर जनता के सामने अपनी बातों को रखेंगे आपके माध्यम से। बिल्कुल सर, चलिए सर, समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख लिया मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए मैं हूं जितेंद्र, और आप देख रहे थे दोस्त एक्सप्रेस। नमस्कार।